लेकिन आप आता साहब इन्हें पहचाना है आपने? जी ब्रांडस रोड वाले। आप क्यों नहीं बोल रहे, क्या हालचाल है? बंदा बहुत बोलता है, इसकी पता गुंडा की है, इन्हें कमाया हक लाल दा, इन्हें मेहनत नहीं की थी, इन्हें साढ़े घर मेहनत करे दो नंबर पैसा कमाया फिर समझ आवे। अच्छा हक लाल का कमाया है और मेहनत नहीं की, हमारे ख्याल में बैठे बिठाए आ जाता। बैठे बिठाए नहीं होता, हक लाल बस कमा लिया ठीक है, जिस तरह डर डर के कमाया सिस्टम ही हो रहे। तुसी ब्रांच रोड की कर दे की हो? मेरा कारोबार है बेटा, तेरे वर की धुप चढ़ता गन्ना खोलते रहते ने, इंज करके खोलते रहते ने। आपके किस्मत का हाल बताते बड़ा रिजर्व दिया पांडे इंज करके मांगते ने। लोगों से पूछते हैं जी जी, अब आपको समझ आई कि इन्होंने मुल्क के साथ क्या कुछ किया? आ रही थोड़ी थोड़ी समझ में तो आ रही है। कुछ 70 साल कम से कम आपकी उम्र है मेरी यहाँ, और समझ आपको अब आ रही है। तुसी पुराने नून लीगी हो? पुराना मुस्लिम लीगी है बेटे, नून लीग वाला पंगा तो मैं हूं ले बैठा। ए उम्र थोड़ी वैसे पंगा लैण वाली है नहीं? नहीं पंगा लैण की कोई उम्र नहीं होती, शॉपिंग है, शॉपिंग के पंगा भी आ जाता है। फिर भाई बीकी फिक्की है, मैं घर नहीं ले जानी है, इतने मार्केट च बेचनी है। यार बाबा जी को जानते हैं? पूरा शहर जानता है इसको। आज तो 30 साल बाद तुम इस तरह से हो जाओगे। अच्छा अगो है ना आने उन्हें? अच्छा तो शुक्रिया अदा कर, एक मौजूद आदमी ने तेरी तशबीह दे रहा हो। भाई तुम ईमानदारी नाल पैसे कमाए ने? तकरीबन। अच्छा ये तकरीबन नहीं होता, करप्शन या तो होती है या नहीं होती, शायरी की तरह बिल्कुल। बात सिर्फ ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता, बात सिर्फ ये है कि आदमी करप्ट या तो होता है या नहीं होता, ये दरमियाना सा थोड़ा सा इतना सा ये नहीं होता। मुंबई के होजे मजमे लाउंदे ने। यार क्यों बोर कर रहे हो? यार आहिस्ता बोलिया कर, खुदा दा बात महंगिया बसां च मंजन वेचिया कर, उतारेगा भी कोई नहीं। 500 रुपए की डब्बी, 100 डब्बी बेचे 50,000 रुपये तेरे म्यार के मुताबिक। क्यों भाई टूटा दंद होता? तेरे जेड़ा केस बनाया तेन वह फिक्र नहीं, तेन दुखदा नहीं पई है? कश्मीरिया तो नाई होंगे योजे। मैं कहना पैसे वापस कर दे, सुख ना सोया कर कोठे मंजी डाक। पैसे मेरे को है नहीं चाचू, फिर पैसे वापस कर दे। चाचू अब चाचू बन गया वो, जान ही नहीं छटन दिया, खराब पेस्ट्री होंगी। यार $26 मिलियन ओए हो, कितना औखा होके कह दिया 26 मिलियन डॉलर बड़ी रकम है, और चला डिगन लगा सी। मैं तो कहना वापस कर दे $26 मिलियन पापड़ों वालों के जरिए। हाय हाय हाय, अपना का बड़ा काम है, छाते सुखाने पेंदे पहले सफरे बिछा के। ढलइयों का काम भी बहुत मुश्किल था, राम गली नंबर 6 में हुआ करता था। ओए किने दसे इन्हनु? तेरे लिए खचा नाल आनी है तो सारा पता होएगा। मैं परदे पापा मर गया तड़े, परदा अपने ते पाप मरे, पुरानी खजूर होंगी। भाई तुम पुट्टोदार भी देखे है? गलती हो गई यार, वो तो मैं है सर देख लिया। क्यों थे तुम इतने देर से हो तुम? यार ये बंदा क्यों उकता गया? मैं मुनीर न्याजी का बड़ा फैन है, ये शहर में रहना उकताए रहना, उकताए हुए रहना, उकताए हुए रहना। अब तो तू हुए मिस क्यों किया बेच? तुसी पुट्टो साहब ने हाथ मिलाया? हाँ जी मिलाया जी, मोची दरवाजे सर जी भी मिलाया। मोची दरवाजे बहुत शानदार तकरीर की थी, जलसा था बड़ा लाजवाब जलसा था। इतफाक ऐसा कि पुट्टो साहब फुटपाथ से खड़ोते थे, मैं उतो तंग हो गई, उधर बहुत क्राउड सी, तो मैं क्या बाहर जाने सारे सी मैनू आ रहा, देखे तो पुट्टो साहब खड़ोते थे रो रहे ने। चिट्टी गड्डी आई मजदा, काली छत आली, उन्हें हाथ छुड़ाया जबरदस्ती दौड़ गए। बाबा जी अंग्रेज दौर वेखिया? नहीं बेटे मुगलों का, अंग्रेजा ने वेखिया मुगलों का? यार मतलब किड्डा ईजी है यार, बंदे ने भी बड़े मंजे तो बैठे थे बेड़े से शहर ना छोटे शहर से जा रहे हैं, पूछे जा रहे हो भी जा तो रहा, कोना हो गया तो ना रहा ना रहे हो तंते? आज तक किसने नहीं किया होगा ना रहे हो? हाँ मैं नहावगा तेन कहेगा ना, क्या वजह क्या, क्यों नहीं नहाते, क्यों नहीं हो? वजह मैं नहाते इसलिए नहीं कि मैं नहीं नहाता हूँ। क्यों वजह क्या? ए बंदे बड़े महंगे, ए बंदे की जान छोड़ो, ए बंदे महंगे इलाके की बहन हो ही होंगे। खांदा भी रहा
पैसे वापस कर असी तेरी हर गल दसांगे तेरी फिक्कियां ते भी दसांगे यार तुसी इन्ने जने नूं फड़ के तमीज नहीं सिखा सकते इन चार इधर बैठे चार पांच उधरों को भाई तमीज ना बोल पाई ਸਾਡੀ 50 ਸਾਲ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਆਡੂ ਸੁਣਾ ਆਪ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਨਾਨੇ ਕਾ ਜੂਸ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੇ ਬਨਾਨਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਮੈਨੇ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ ਫਿਲਮ ਫਿਲਮ ਮੈਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਇਰਾਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਲੂੰਗਾ ਫਿਲਮ ਮੇ ਹੀਰੋਇਨ ਆਡੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਖੇ ਫੇਰ ਲਈ ਬੜਾ ਭੈਂਗੇ ਪਪੀਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਗੂੰਗੇ ਗੈਂਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਉ ਲੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਖਖ 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 ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨਾ 90% ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣਾ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਰੇ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਫੀਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਬੜੇ ਮੌਜ਼ ਛਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8-9 ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਨੀ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਉਹ ਬਨਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਬੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਰਾਈਟਰ ਸੇ ਮੇਰਾ ਰابطਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਸੇ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਂਟਰ जिम ज्वाइन किया है ये जिम का काम नहीं है और किधर काम है ट्रिम का काम पंची से अपने साइडों को ठीक करो देखो हुन की ओदा खाना खराब होया पे पुराने उस्तादा ये वर्कशॉप में जाओ ना अब बाबे अरगे उथे कबूतर फेर रहे हैं आपने कबूतर कितना प्यारा जानवर है प्यारा जानवर है शुक्र है ये नहीं कह दिया उसने कितना प्यारा दरिंदा है याद है आप जब आते थे तो आप बात कर लेने दो ना वो बात कर रही है एक बात कबूतर की उस बेचारी ने की है बड़ी बेचारी की आपको फिक्र है आपको पता है नाना अबू ने जहर खा लिया था आपकी वजह से नानी ने जहर खाता जहर अंदर जाके कहना मैं मर गया चाहे हो जा बाबा ब्याह घर सुता हो ना बंदा आगे सिर्फ यही कहना बाबा पासा लाए तेरे थले चमचा है अच्छा जी आपकी फिल्म की स्टोरी क्या है मैंने बताया तो है मेरे भाई के भी राइटर से रब्ता हो गया है ऑनलाइन तो आपकी आपका ख्याल होगा कोई ना नहीं वो उसी पे मैंने सब कुछ फेंका वो बहुत देखा था सामान ले दे चवड़ा जी आडू किस सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से तुमने क्या कहा था अभी पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल साइंस यार तुम समझ नहीं आती इतना गंवार इसका दहकानी और कितना उजड़ इसका लहजा गल्ला तेरियां सही ने लेकिन तेरा चेहरा ना जड़ा ओ सिंक नहीं कर रहा जेंटली ऐसे भांड नहीं होता कोई वो पढ़ी लिखी जैसे बात करने की भांड कहो जेंटली जी बैग भांड कहने लग पे मौला लाए खैर मौला बाल अड्डी थले लाके चिट्टा कीता पैसा उड़ा यार ये बाबा तुम्हारा बहुत फीकी जुगत है यार तू चला जाए थे इंजी होने मेरा प्रॉब्लम जय हो जा बाबा ईद वाले दिन बच्चे लेके निकले ना लोग मना रहे पाकिस्तान विखाते यहोज बच्चे कहना पुत ऐसा हॉस्पिटल भी मैं दाखिल रहा आपको पता है हमारे नाना अबू ने मधुबाला के साथ ऐसा काम किया है जनाब फिल्म की गल हो रही थी मैनू भी मौका दिता जाए गल कर जनाब फिल्म नाल मेरा बड़ा ताल्लुक है मैं बचपन तो फिल्मा वेखिया ने जो 3 रुपये की फ्रंट की टिकट होंगी थी अच्छा यहोजे बंदे जिम्मे रात दादा साहब हाथ च लत्त फट के मंगन डे ऐ लत्त जी मेरी वक्री हो गई है लत्त ना मैं फिर दस इसे लात में मेरे बच्चे क्रिकेट खेल देने ये कौन सी लात है ये प्रोस्थेटिक अल्लाह ने अपनी पाई है कोई गल लोकल लैंग्वेज बोलते ही नहीं कोई गल कर लो प्रोस्थेटिक बनाई हुई जो अच्छा यार मस्नूई टांग यस ये ठीक है समझ नहीं आती तुझे भी मसला इस तरह हल हो गया आपको सब कुछ पता है माशाल्लाह कहीं पर्वतों की तराइयों पे रिदाए नूर तनी हुई रिदाए रंग तनी हुई रिदाए नूर रिदाए रंग पूरी पहन देते कहीं पर्वतों की तराइयों पे रिदाए रंग तनी हुई कहीं बादलों की बहिश्त में गुले आफताब खिला हुआ अब ये डिक्शन देख रहे हैं आप ये डिक्शन ऐसे शख्स का है जो लखनऊ या दिल्ली का बंदा नहीं है जो रावी के किनारे का बासी है और उसका डिक्शन जो है अहले जुबान उसे सलाम करते हैं सैलून से बाल कटवा ये नहीं कहते कि मेरे बाल काट दें उनके कुछ हो सकता है
यार ये बाबा बहुत तंग करता है। ओए होए यही बात है, बच्चा बोर ही हुंदा है, इधर दिल पता की कर रहा है कि मैं बाद से बैठा हूँ खुसरा चला रहा होवे, टिकटा भी खुसरा कट रहा होवे, कहती जिन्हें ढोल बजाना है बुढ़ी जी माई रौनक लगी रहे, मुफ्त कतलमे मिल रहे हो, पुलिस किसी चोर न मार रही होवे, बंद की है जरा उची उची पुलिस मार रहा होवे, उची उची चोर गा मैं छोड़ दो ये कोल हो गया और चोरी करो पराठा बहुत अच्छा बनाती है, अंडा बहुत अच्छा बनाती है, अंडा अभी एक बड़े गरीब लोग है, अनएजुकेटेड पर्सन, अंडा और पराठा, क्या बात, पराठा उसके ऊपर फ्राई अंडा और साथ हल्का सा अचार, मूंग मसूर की दाल रात की ठंडी ठंडी, राइटर ने फोन करो ना, कोई लाइन लिखिया कि नहीं उन्हें, फिल्म का नाम क्या है, कुलचा, इस गल ते तुहानू हासा आउंदा कुलचा नाम दा कि एक कुलचे के साथ आपका क्या बनता है, सर एक कुलचा दिल टोकन है ना उसके वास्ते, एक ये जो बाबे जड़े ना खुश रहंदे घर हुंदे भी जुत्तियां इधर कट्ठियां कर देतियां यार, पत्ती ले आया, दूध ले आया, वड्डी बाजी ली सेफ्टी ले आया, अरे बंदे नु कहना बैठो शबनम सर सुरखी ला रहा है, नाना अबू का बड़ा रोब दबदबा था 20 साल पहले, हां जी इतो लंघते होंगे सन लोग पागल हो जाते सन, वो कैसे हवावां ही इन्नी निकल दिया सी, बहुत दहशत थी आप ही नाना नु वेख के कुत्ते सीधे टुर लग पे, रात हम लेते एक ब्रेक हमारे साथ थी।